गाइज मेरी वीडियोस देखकर आपको लगता होगा कि आपको GTA गेम्स के बारे में सब कुछ पता लग गया है। इवन मुझे खुद ये लगता है जब मैं अपनी खुद की वीडियोस देखता हूँ, लेकिन जब मैं इंटरनेट पर रिसर्च करने बैठता हूँ तो और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है। मैं आज आपको ऐसी ही 8 शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा GTA गेम्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि GTA की मूवी आ सकती है या नहीं, फ्री टाइम GTA 6 के लिए फेवरेबल क्यों है, या कभी GTA सीरीज एंड होगी क्या, एंड ऐसे और भी बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जानेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहला GTA गेम 1997 में आया था, जो कि एक टॉप डाउन 2D गेम था, और उसके बाद से ही गेम्स में इम्प्रूवमेंट होती रही एंड नए गेम्स आते रहे। GTA सीरीज का सबसे लेटेस्ट गेम GTA ऑनलाइन है, जो कि GTA 5 का मल्टीप्लायर वर्जन है, और वो 2013 में आया था। और GTA सीरीज के टोटल 16 गेम्स आ चुके हैं फॉर PC एंड कंसोल्स, जिसमें से 5 गेम्स को मोबाइल के लिए भी पोर्ट किया गया है। तो सवाल ये आता है कि आखिर कब तक GTA के गेम्स आते रहेंगे? क्या ये सीरीज कभी बंद होगी? क्या हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी कुछ GTA 100 जैसा खेल रहे होंगे? देखो, वैसे तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि GTA सीरीज कभी एंड हो, क्योंकि वो है ही इतनी मजेदार, लेकिन कोई भी अच्छी सीरीज का कभी ना कभी एंड होना जरूरी है, वरना गेमर्स उससे बोर हो जाते हैं। और इसी से लोगों के मन में सवाल आता है कि कहीं GTA 6 आखिरी GTA गेम तो नहीं होगा? तो यही बात GTA 5 के डेवलपर्स हाउजर ब्रदर्स से भी पूछी गई थी, और उनका कहना है कि हाँ, GTA सीरीज कभी ना कभी तो एंड होगी, पर तब जब वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक गेम बना देंगे, क्योंकि GTA 4 एंड GTA 5 गेम्स को देख के आपको पता लग ही जाएगा कि रॉकस्टार गेम्स GTA को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहता है। इवन हम जब GTA 5 को खेलते हैं तब हम हैरान हो जाते हैं कि इसमें कितनी सारी ऑसम डिटेल्स हैं, पर उसके बावजूद अभी भी रॉकस्टार गेम्स को काफ़ी काम करना होगा अगर उन्हें पूरा रियल लाइफ जैसा GTA गेम बनाना है। तो जो GTA 6 होगी वो GTA 5 से तो ज़्यादा रियलिस्टिक होगी, पर शायद इतनी नहीं कि वो आगे गेम ही ना बनाएं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तो लंबी चलेगी GTA सीरीज, पर हाँ, जब वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक गेम बना चुके होंगे तब उसका एंड हो जाएगा। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले पूछा था कि अगर GTA 5 पर कोई मूवी बनती है तो क्या आप उसे देखना पसंद करोगे, और बहुत से लोगों ने कमेंट्स में बताया कि हाँ भाई, हम ज़रूर देखेंगे GTA की मूवी, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वेब सीरीज़ बननी चाहिए GTA जैसे गेम पर। तो लेकिन फिर अभी तक कोई मूवी क्यों नहीं बनी? क्योंकि आजकल सभी एंटरटेनमेंट कंपनीज़ की कोशिश रहती है कि अगर उनकी कोई गेम की सीरीज़ पॉपुलर हो गई है तो उस पर मूवी, वेब सीरीज़, कॉमिक्स सब बना दें। जैसे GTA के कंपैरिजन में मैक्स पेन तो इतनी पॉपुलर भी नहीं है, फिर भी उसकी मूवी आ रखी है, और ऐसे ही Assassin's Creed पर भी मूवी आ रखी है, अनचार्टेड गेम्स पर मूवी इस साल आने वाली है। तो क्या कभी GTA पर मूवी आएगी? यही सवाल टेक टू इंटरैक्टिव के CEO स्टॉस जेलनिक से पूछा गया, और उन्होंने कहा नहीं। और इसके बहुत से रीजंस है। पहली बात तो उन्हें किसी और मूवी डायरेक्टर पर ट्रस्ट ही नहीं है कि वो GTA की अच्छी मूवी बना देंगे, क्योंकि GTA एक बहुत बड़ा नाम है, और अगर उसकी कोई मूवी अच्छी नहीं निकलती तो उसका नाम खराब होगा। दूसरी बात, उनकी कंपनी में ज्यादा लोग नहीं है जिन्हें मूवीज बनाने का एक्सपीरियंस हो, मतलब वही बात है ना कि दूसरों से बनवानी नहीं और खुद आती नहीं। वैसे रॉकस्टार ने पास में भी कुछ मूवीज बना रखी है, जैसे कि GTA 2 के लिए उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो बस उसके प्रमोशन के लिए यूज की गई थी। फिर 2004 में रॉकस्टार गेम्स द फुटबॉल फैक्ट्री का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, मतलब उसने मूवी में बस पैसा लगाया था लेकिन क्रिएटिव चीज़ों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, और वो मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप गई थी जिसमें रॉकस्टार को बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ था। फिर 2005 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसका नाम है संडे ड्राइवर, उसमें भी रॉकस्टार को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसलिए वो GTA पर मूवी नहीं बना रहे। और अब यही बात आती है कि यार, जितना पैसा गेम्स में है ना, उतना पैसा मूवीज में नहीं है, और उनके गेम तो वैसे भी इतने ज़्यादा बिकते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा मूवी के चक्कर में पड़ने का शौक भी नहीं है, ना ही उन्हें कोई ज़रूरत है। वैसे तो कुछ दिन पहले लीक्स आ रहे थे कि GTA 5 की मूवी आने वाली है, लेकिन वो वीक और डिस्कवर नाम की वेबसाइट पे आए थे जिसके 99% लीक्स फेक होते हैं, इसलिए उस पर तो वैसे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हमें पता ही है कि US में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो चुके हैं, और इस बार जनता ने बाइडन को मौका दिया है, इसलिए ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़कर जाना पड़ेगा। और एक्चुअली GTA 6 के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि डैन हाउजर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो खुशकिस्मत है कि GTA गेम्स ट्रंप के राज में नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि GTA गेम्स अमेरिकन कल्चर का मजाक है, बेसिकली एक सटायर है, रोस्ट है, और उन्होंने अपने गेम्स में तो रियल लाइफ पॉलिटिशियंस तक का मजाक उड़ा रखा है, जैसे कि GTA 4 में उन्होंने हिलेरी क्लिंटन का मजाक उड़ाया है। तो इस वजह से बहुत से US के पॉलिटिशियंस ऑफेंड हो सकते हैं, और डैन हाउजर का कहना है कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी में कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि लोग या तो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए थे या बहुत ही ज़्यादा लिबरल हो गए थे। तो ऐसे में GTA गेम्स में जो यूजुअली सरकाज़म होता है वो उसे बहुत ही दूर ले जाते, और लोग बहुत आसानी से नाराज़ हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, इसलिए डैन हाउजर थोड़े परेशान थे। लेकिन अब इलेक्शंस हो गए हैं और ट्रंप जा रहे हैं, इसलिए अब GTA 6 को रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो अगला फैक्ट है वो शायद फैक्ट ना कहो आप, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स GTA 5 में मॉड्स का यूज करके खुद की स्टोरी एंड मिशंस बनाते हैं और फिर उसे खेलते हैं।
वैसे कुछ गलत नहीं है, बल्कि मॉड्स की मदद से खुद की स्टोरी एंड मिशंस बनाना बहुत ही मुश्किल एंड क्रिएटिव काम है, बल्कि मैंने खुद ऐसी कुछ वीडियोस बना रखी हैं पास्ट में। लेकिन इससे उन लोगों के मन में गलत फहमी आ जाती है जो GTA 5 की रियल स्टोरी नहीं जानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही GTA 5 की रियल स्टोरी है। मैं आपकी यही कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम यूट्यूबर जो GTA 5 की वीडियोस बनाते हैं वो खुद की स्टोरी लिखते हैं, जबकि अगर आपको एक्चुअल स्टोरी जाननी है ना GTA 5 की, तो या तो उसके लिए आपको खुद गेम खेलना पड़ेगा या फिर YouTube पे सर्च करना GTA 5 स्टोरी इन हिंदी एंड ऊपर की जो एक दो वीडियोस आ रही होंगी उन्हें देख लेना। और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि जो मिशन वो वीडियो में दिख रहा है वो उन्हें गेम में क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए कि वो मिशन यूट्यूबर्स ने खुद बनाया मॉड्स की मदद से। मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि मॉड्स की मदद से वीडियोस बनाने में कुछ गलत नहीं है, पर आपको रियल स्टोरी भी पता होनी चाहिए। और लोगों में ये कन्फ्यूजन है, इसका मुझे तब पता चला जब मेरी फैक्स वाली वीडियो में किसी ने कमेंट करके कहा कि भाई ये बंदा मास्टर चीफ नहीं बल्कि बॉडीगार्ड है। हाँ, हो सकता है कि कुछ यूट्यूबर्स ने इसे एज अ बॉडीगार्ड यूज कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रियलिटी तो ये है कि डेवलपर्स ने इसे बस एक नॉर्मल बंदा दिखाया है जो कि हेलो गेम्स के मास्टर चीफ की कॉस्ट्यूम पहन के एक्टिंग कर रहा है। GTA गेम्स की मैसिव सक्सेस की वजह से दूसरे गेम डेवलपर्स ने उसे कॉपी करने की कोशिश करी है। उसमें से एक गेम था जो कि स्नूप डॉग पर आने वाला था, पर फिर बाद में वो कैंसिल हो गया। बेसिकली उस टाइम रैपर्स अपने ऊपर गेम्स बनवाना चाहते थे और स्नूप डॉग भी उनमें से एक थे, तो उस गेम का नाम होने वाला था फियर एंड रिस्पेक्ट। GTA San Andreas की तरह ये लॉस एंजलिस में सेट होता और हम लोग स्नूप डॉग के तौर पर खेल पाते जो कि अपनी गैंग के लिए काम कर रहा है। और इस गेम में तो वेरिएबल स्टोरी लाइन भी होती जो कि उस टाइम के किसी भी गेम के लिए काफी ज्यादा एडवांस चीज है। लेकिन उस टाइम पे इतने ओपन वर्ल्ड गेम्स आ रहे थे GTA जैसे कि उन्हें लगा कि यार कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा है और इसलिए उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। लेकिन हाँ, अगर ये गेम आता तो यार GTA सीरीज को अच्छी खासी टक्कर देता क्योंकि इसमें स्नूप डॉग होने वाले थे। GTA गेम्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल गेम है क्योंकि इसमें हमें पुलिस वालों को मारना होता है, लोगों को मारना होता है, बैंक्स लूटने होते हैं जो कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए उसके ऊपर $1 बिलियन से ज़्यादा तक के लॉ सूट्स हो रखे हैं, मतलब कोर्ट केसेस हो रखे हैं, और भाई ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हाँ, रॉकस्टार वालों को ये देने नहीं पड़े क्योंकि उन्होंने सारे केसेस सल्टा लिए। अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो अगर नहीं हुई होती तो शायद GTA 4 हम कभी नहीं खेल पाते। आपको पता ही होगा कि GTA गेम्स कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं और ऐसे में कंसोल कंपनीज आपस में लड़ती रहती हैं कि गेम सबसे पहले किस पर आएगा। जैसे कि अगर मैं सोनी की बात करूं तो उसका PlayStation 2 बहुत ही ज़्यादा बिका था क्योंकि उस पर 3 GTA गेम्स आए थे, GTA 3, GTA Vice City और GTA San Andreas। उसी तरह जब GTA 4 आने वाली थी तब सोनी ने चलाकी से टेक टू इंटरैक्टिव और रॉकस्टार के साथ डील कर ली कि GTA 4 को PlayStation एक्सक्लूसिव बना दो, जिसका मतलब GTA 4 कभी भी PC, लैपटॉप या माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स पर नहीं आएगी। अब ये सोचो कि बस GTA 4 खेलने के चक्कर में कितने सारे लोग PlayStation 3 खरीदते और सोनी को कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता। वो तो ऐसा नहीं हुआ वरना हम शायद GTA 4 या इवन GTA 5 तक नहीं खेल पाते क्योंकि वो एक PlayStation एक्सक्लूसिव बनकर रह जाता। उसे खेलने के लिए फिर PC की जगह PS3, PS4 या PS5 खरीदना पड़ता और PlayStation तो मॉडिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से जितने भी GTA 5 के चैनल्स आप देखते हो अभी वो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने टेक टू इंटरैक्टिव और रॉकस्टार गेम्स के साथ $75 मिलियन की डील करी है, यानी कि उन्हें $75 मिलियन दिए माइक्रोसॉफ्ट ने, तब जाकर रॉकस्टार ने कहा कि चलो हम GTA 4 को Xbox 360 एंड विंडोज़ प्लेटफॉर्म मतलब कि PC एंड लैपटॉप्स पर भी ले आएंगे। थोड़ा और बता देता हूँ आपको, जब सोनी को इस डील के बारे में पता लगा कि GTA 4 अब एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, फिर उसने रॉकस्टार से कहा कि नहीं नहीं यार, अब हमें तो कोई एक्सक्लूसिव गेम दो, तो रॉकस्टार ने अनाउंस किया द एजेंट गेम जो कि जॉम्बी गेम होने वाला था और PS3 एक्सक्लूसिव होता, और वो भी नहीं आया क्योंकि उस टाइम जॉम्बी गेम्स में कॉम्पिटिशन बहुत था। और ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो माइकल पैक्टर ने पता लगाई थी जो कि गेमिंग इंडस्ट्री एंड सोशल मीडिया का एक पॉपुलर एनालिस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, GTA सीरीज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल गेम की सीरीज है और ये खुद ही जान के ऐसी हरकतें करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी करवाते हैं गेम को बेचने के लिए। जैसे कि GTA San Andreas में रॉकस्टार वालों ने खुद हॉट कॉफी मोड डाला था, जिसमें क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताने वाला, पर फिर वो मोड बाद में डिसेबल कर दिया गया। लेकिन मॉडर्स भी कम नहीं होते, उन्होंने गेम की फाइल्स में वो हॉट कॉफी मिला तो उन्होंने उसको वापस इनेबल करने के लिए एक मॉड बना दिया। अब वो ऐसा मॉड था कि उसको लेकर बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, बहुत से लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। इवन एक फेमस एंड बहुत ही बड़ी पॉलिटिशियन हिलेरी क्लिंटन ने तक उसके खिलाफ बोला था। फिर गेम में अलग अलग तरह की गैंग्स दिखाई गई हैं, जैसे कि हेशियंस, और हमें उनको मारना होता है, तो इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई और रॉकस्टार गेम्स को ये चीज़ भी हटानी पड़ी। फिर GTA 5 ऑनलाइन में डायमंड कैसीनो DLC आई थी, जिसके अंदर प्लेयर्स कैसीनो में जाकर गैम्बलिंग कर सकते हैं, और बहुत से लोग GTA ऑनलाइन में खर्च करने के लिए शार्क कार्ड्स खरीदते हैं रियल मनी से, जैसे PUBG की यूज ही खरीदते थे लोग। तो रियल लाइफ मनी को गैम्बलिंग के लिए यूज़ करना गेम के अंदर
इसके खिलाफ भी काफ़ी लोग बोलने लगे और इसको लेकर भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। इवन ये जो डायमंड कैजिनो की DLC है 50 कंट्रीज में बैंड है। मतलब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब रॉकस्टार गेम्स ने उड़ता थी। खैर छोड़ो, कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। वैसे आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज़।